हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जयेश मोची व्लॉग्स चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ बड़ौदा शहर से 20 से 21 किलोमीटर की दूरी पर गणपतपुरा गांव में। दोस्तों, यहाँ पर रामादेव पीर का मंदिर है और साथ में आप देख रहे हो बहुत ही पौराणिक एक वृक्ष है। सारी डिटेल से जानकारी दूंगा इस व्लॉग में, तो व्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे हिट करके रखिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और देखिए कितना बड़ा पेड़ है। तो दोस्तों, सारी डिटेल से जानकारी दूंगा, तो व्लॉग में अंत तक जरूर से बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, यह पेड़ खुद के भीतर बारिश का लगभग 17,348 लीटर पानी स्टोरेज कर लेता है। इस पेड़ का नाम है बाओबाब, जो अफ्रीका के मेडागास्कर में पाया जाता है। 3.30 मीटर ऊंचे और लगभग 11 मीटर चौड़े वृक्ष को देखना बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। बाओबाब वृक्ष हमेशा हमें उल्टी बॉटल की तरह दिखता है और यह उसकी पहचान भी है। इस पेड़ पर हमें 6 माह तक पत्ते लगे देखने को मिलते हैं और 6 माह तक पत्तों के बगैर देखने को मिलता है। इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि इसके किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जाए तो यह पेड़ लगभग 6,000 वर्षों तक जिंदा रह सकता है। इस पेड़ की उम्र के 20वें वर्ष में अप्रैल से मई के बीच रात को ही फूल खिलते हैं। यह फूल सफ़ेद रंग के और उसका आकार बहुत बड़ा होता है। बाओबाब के अन्य नाम में बाओबाब, बोआबोब, बोतल वृक्ष तथा उल्टा पेड़ जैसे नाम भी शामिल है। अरबी में इसे बुहीबाब कहा जाता है। इसका अर्थ कई बीजों वाला पेड़ होता है। अफ्रीका ने इसे द वर्ल्ड ट्री की उपाधि भी प्रदान की है, साथ ही में इसे एक संरक्षित वृक्ष भी घोषित किया है। बाओबाब वृक्ष बहुत ही मजबूत वृक्ष होता है। इसे हिंदी में गौरक्षी नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे अद्भुत और इतने गुणकारी पेड़ के आप भी अगर दर्शन करना चाहते हैं तो दोस्तों, वडोदरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर गणपतपुरा गांव में आपको यह पेड़ देखने को मिल जाएगा। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिससे कि दोस्तों आप आसानी से इस पेड़ तक पहुँच पाए। दोस्तों, आप मेरे पीछे ये जो पेड़ देख रहे हैं दोस्तों, इसकी उम्र के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों 9,500 साल जितना पुराना है। ऐसा इसने इसको सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है, सरकार ने इस तरीके से इसे जांचा है। और दोस्तों, आज के दौर पर इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए मानी जा रही है। बट दोस्तों, गांव वालों का कहना ये जो उम्र सरकार ने 9,500 साल जितनी जो की है, वो करीब 12,000 साल जितनी इसकी उम्र है। आप देख सकते हो कि कितना विशाल वृक्ष है और इसकी डहनियाँ देखिए बहुत ही बड़ी बड़ी है। और जहाँ तक ये जो फैला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कुदरती वातावरण है। और दोस्तों, अभी जो है बारिश गिर चुका है तो बहुत ही मनमोहक यहाँ के नज़ारे हैं। और दोस्तों, अगर आप इस पेड़ के विज़िट के लिए आते हैं, यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, तो दोस्तों साथ में आपको रामापीर का भी मंदिर मिलेगा। यहाँ पर रामापीर के इस तरीके से आप जो है दर्शन कर सकते हैं, देखिए। और यहाँ पर एक बड़ा रामापीर का मंदिर है, ये मंदिर में भी चलेंगे और दोस्तों वहाँ पे भी मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। देखिए बहुत ही बढ़िया इस तरीके से मंदिर है। और दोस्तों, यहाँ पर बीज का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सारी बातें करूँगा व्लॉग में, अंतिम तक बने रहिएगा। और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए।
दोस्तों जिस मंदिर के आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ, जिस पेड़ के हमने दर्शन किए, ये है रामापीर मंदिर के पुजारी। आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह परमार। बराबर। और ये जो मंदिर है और ये जो पेड़ है, इसके बारे में आप हमें डिटेल से जो है कुछ इतिहास बताइए। पहले तो मंदिर के बारे में हमें। पेड़ 950 साल का है। बराबर। 950 साल का पुराना पेड़। बराबर। और इसमें सरकार ने 10 करोड़ कीमत किसकी? सरकार पेड़ की। पेड़ की कीमत। और ये अफ्रीकन ट्री है। बराबर। और रुखड़ा कहता है गांव वाले, और गेलुजर कहते हैं नाम से। रुखड़ हाँ, वन विभाग वाले वो बोलते हैं कि रुखड़ बोलते हैं, और गांव वाले गेलुजर बोलते हैं। 50 साल सरकार ने वो सर्च करके सब बोला, और इसकी एक्सपायरी डेट समथिंग 2000 साल तक हो जाएगा ये आयु से। मंदिर जो है ये किस तरीके से, मतलब मैं अभी एक हमारे जो ग्रांड फादर थे 109 साल तक जिए थे, वो भी पुराना मंदिर थोड़ा था, अभी चार पांच ईंटों वाले थोड़ी सी रख ले, वो छोटा सा डेयरी जैसा। हाँ, बस डेयरी जैसा। अब धीरे धीरे इसको थोड़ा बड़ा किया डेवलपमेंट, और इससे बड़े गाँव वाले सब अलग अलग बड़ा। तो अभी इसमें सारे गाँव वाले जुड़ गए, सारे। यहाँ पर अगर किसी को दर्शन करने के लिए पहुँचना है तो वो कौन से स्पेशल डे पे आ सकते हैं? समझो ये हफ्ते के सातों दिन में से कौन सा स्पेशल डे होगा? इसमें क्या है कि एक महीने में बड़ा बीज आती है, जो दो बीज आती है, एक पूनम की बीज आती है और एक अमास की बीज आती है। अमास की। यहाँ पे अमास की बीज पे मेरा जैसा होता है कि बीज बने आते हैं, जैसे कि डाकुर में जब पूनम बड़े लोग जा रहे हैं, ऐसे पूनम की तरह हमारे यहाँ बीज का प्रोग्राम होता है एवरी मंथ। अब वीकली में सब लोग गुरुवार हुए, संडे वगैरह सब लोग जो भी। दोस्तों हर वीक में गुरुवार के दिन और दूसरी बीज के दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्शन का, अमास वाली बीज के दिन का ज्यादा महत्व है। जैसे कि हमें महाराज ने बताया, ये महाराज कम और सिंगर गायक कलाकार बहुत ज्यादा है। उनके बारे में अगर इंस्टाग्राम आईडी मैं लिंक कर दूंगा, आप जाकर उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। तो आप अपनी जो गायक कलाकारी है उसके हिसाब से अगर आप कुछ कहना चाहो तो। इसमें क्या, अभी तो आज निजा का प्रोग्राम है। बराबर। सभी आज वाले गांव वाले आज निजा का दिन है। बराबर। तो हमारे गुजरी में वो एक गीत है रामापीर का, तो मैं यार तो सबको मैं यूट्यूब के माध्यम से गा के दिखाता हूँ। लीला पीड़ा तारा ने जा पर के, लीला पीड़ा तारा ने जा पर के, लीलूड़ा ने जे आओ रे मारा रनु जाना रामापीर, लीलूड़ा ने जे आओ रे मारा रनु जाना रामापीर। दोस्तों देखिए, ये जो पेड़ है 950 साल की उम्र का पेड़ किया माना जा रहा है, और दोस्तों गांव लोगों का कहना ऐसा है कि 11 से 12,000 साल पुराना ये पेड़ है। तो दोस्तों अगर एड्रेस के बारे में बात करें तो दोस्तों अगर आप वडोदरा शहर से हो तो 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर इस रास्ते से यहाँ पर देखिए गणपतपुरा ये गाँव का रास्ता है। और दोस्तों गाँव के अंदर जैसे ही आप एंटर होते हो तो दोस्तों यहाँ पर पहुँचने के लिए आप रामापीर का मंदिर इस तरीके से अगर किसी को बताएंगे तो आप इस जगह पर पहुँच सकते हैं। बाकी देखिए एक बार ज़रूर से विज़िट कीजिएगा, बहुत ही पौराणिक जो है हमें पेड़ देखने को मिल रहा है, और इसकी घटाएँ आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ी बड़ी घटाएँ हैं, और इस पेड़ के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पशु पंखी वगैरह जो है यहाँ पर वास करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों आप जो है पूरा जो है आवाज़ के ज़रिए आप सुन सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो है पक्षियों का यहाँ पर हमें आवाज़ें सुनाई दे रही। तो दोस्तों ऐसे कुदरती वातावरण में साथ में रामापीर का बहुत ही बढ़िया मंदिर है, तो रामापीर के भी आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हो। और दोस्तों जैसे जैसे भी लोगों को मालूम हो रहा है, जैसे जैसे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, ऐसे ऐसे लोग अपने अपने हिसाब से यहां पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूर से आप भी इसी तरीके से दर्शन करने यहां पर आइएगा, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह इंफॉर्मेशन पहुँच पाए। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर हिट करके रखिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्टिंग के साथ मैं फुल्ली इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ इस चैनल पर ब्लॉग लाता रहता हूँ।
तो दोस्तों ज़रूर से मुझे फॉलो कीजिएगा फेसबुक इंस्टाग्राम पर। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आने वाले अपडेट्स जो है आपको मिलते रहे। तो दोस्तों देखिए, अभी हमारे साथ जो है विक्रम भाई जुड़ चुके हैं और जो है पेड़ की विशालता जो है इसके बारे में हमें डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है पेड़ है, और विक्रम भाई का क्या कहना है इस पेड़ के बारे में और किस तरीके से पेड़ है। विक्रम भाई, पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पेड़ है जो, इस पेड़ का नाम क्या है? ये पहले तो इंडिया के पेड़ है नहीं, पहले बराबर सबको एक बात पहले कहता हूँ, बराबर ये अफ्रीकन ट्री है, बराबर यानी कि विदेशी पेड़ है, बराबर है। अभी ये गांव वाले रुखड़े बोलता है, बराबर येलो जय बोलता है, अलग अलग नाम से बोल रहे हैं, बराबर है, और असली नाम इसका बाओबाब अफ्रीकन ट्री है, बराबर है। तो ये इसकी उम्र जो है कितने साल की होगी? अभी सरकार ने सब सर्च करके सब अलग अलग वो मीडिया थ्रू अगर सर्च करके बोला कि 950 साल है, पर हमारे गांव जो ना वो जो ओल्ड लोग थे 90 years 100 years समथिंग गांव पर भी वहाँ पे थे, उन्हें बोला था कि 100 साल तक वो जिए थे, बराबर शायद ऐसे थे, बराबर। तो हमारे अंदाज से गांव के मतलब समथिंग 1100 साल समथिंग 1200 साल हुआ, बराबर पेड़ की। तो दोस्तों देखिए, आप ये जो पेड़ देख रहे हो जी, जो विशालता है इसकी उम्र करीब गांव वालों का कहने के हिसाब से 1200 से 1150 साल तक का है, बट दोस्तों सरकार ने अपनी जांच पड़ताल में इसको 950 साल का किया है। तो दोस्तों या आप विक्रम भाई से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी प्राइस वगैरह मतलब में कुछ निकाला गया ऐसा है? सरकार ने एक साल की कीमत झाड़ की कीमत समथिंग 84,000 की है, बराबर। और सरकार ने जाहिर किया कि 950 साल की झाड़ की उम्र है, तो कुल मिला के 1000 का झाड़ की कीमत है हाल में, बराबर। तो दोस्तों देखिए, आप जिस पेड़ के दर्शन कर रहे हैं, विक्रम भाई का बताना ऐसा है कि इस पेड़ की कीमत सरकार ने अभी जो इसकी कीमत आंकी है वो 10 करोड़ के करीब की इसकी कीमत आंकी गई है। देख सकते हो दोस्तों आप कितने विशाल पेड़ है यहाँ पर, और दोस्तों आप देखिए पंखियों का बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें वास देखने को मिलता है। और विक्रम भाई, यहाँ पर जो रामापीर का मंदिर है, ये रामापीर का मंदिर जो है गाँव के लोगों द्वारा बनाया गया है, तो ये मंदिर कितना पुराना है? इसमें क्या कि पहले तो ईंटों को 4-5 ईंटों का रखा था, बराबर। धीरे धीरे गांव वालों ने उनके ग्राम पर 107 तक दिए थे, वो ऐसा कि थोड़ा मंदिर थोड़ा था, बराबर। धीरे धीरे गांव वाले थोड़ा बड़ा किया, और इससे बड़ा वो जो बड़ा मंदिर हमने दर्शन किए वो है। तो विक्रम भाई, आपका खूब खूब शुक्रिया, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारियों से वाकिफ करवाया, जो चीज़ें हम नहीं जानते थे वो भी आपने हमें बताई, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। तो विक्रम भाई जो है हमें एक महत्वपूर्ण बात से वाकिफ करवा रहे हैं, विक्रम भाई क्या बताना चाहते हो बताओ? पहले आपको मैं धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि पेड़ की जब जानकारी पूरे देश में नहीं, पूरे देश में हो गई, यही मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और आपके चैनल को सबको बोलता हूँ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितना कर सके यूट्यूब पे लाइक करो, बराबर है। तो अपनी चैनल का नाम है जयेश मोची व्लॉग्स। तो दोस्तों विक्रम भाई का कहना यही है कि इस व्लॉग के ज़रिए जो है काफ़ी लोगों तक जो है जानकारी फैलाइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया है वीडियो को तो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। कौन कौन चढ़ावे पीर ना ने जा, हे मारा रामा पीर ना ने जा, ए मारा बाबरी ना ने जा, हे मारा जयेश भाई चढ़ावे पीर ना ने जा ने जा, मारा जयेश भाई चढ़ावे पीर ना ने जा, ए मारू वडोदरा चढ़ावे पीर ना ने जा, ए मारा रामा पीर ना ने जा, जय बाबा रे जयेश भाई। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय जय गरीब गुजरात।